से वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल गार्डन। आप लोग कैसे हो फ्रेंड? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं एक सुंदर सा प्लांट जिसका नाम लक्ष्मी कमल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड शुरुआत करती हूँ। ये देखिए सुंदर सा प्लांट जिसका नाम है लक्ष्मी कमल, ये हाइब्रिड वाली है। और ये देखिए जो नॉर्मल ये प्लांट बना रखे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक प्लांट से ये सारे बेबी प्लांट हैं। और इनकी मदर प्लांट से मैं आपको मिलाती हूँ। ये देखिए ये मदर प्लांट है, वो देती भी हूँ और किसी से लेती भी हूँ। ये बहुत सुंदर प्लांट है, बोलते हैं कि जिसके घर में ये उग जाता है बस उनके घर में सुख शांति समृद्धि शुरू हो जाती है। बस मैं तो मेरा सोचना ये है कि फ्रेंड कोई भी पौधा घर में खुशियाँ लाती है। मतलब आप खुद सोचिए, एक पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो वो देखने में आंखों को कितना सुकून मिलता है, घर की रौनक आ जाती है पौधों में। तो पौधे सारे सुंदर हैं, तो मैं आपको इसकी एक कटिंग लगा के बताती हूँ। फ्रेंड मेरे पास तो बहुत सारे, देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट में कटिंग करके लगाई। ये सारे कटिंग से मैंने तैयार किया है फ्रेंड। तो फिर मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने एक पॉट तैयार रखा है, मैं पॉट को दिखाती हूँ। ये मैंने ऐसे एक पॉट तैयार कर रखा है, इसमें मैं लक्ष्मी कमल लगा के दिखाऊंगी और उसकी केयर के बारे में बताती हूँ। लक्ष्मी कमल की केयरिंग कैसे की जाएगी आपसे फ्रेंड, इसे आपको कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कटिंग करती हूँ। चलिए मैं यहीं से कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा बेबी प्लांट का यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड जो निकलता है ना यहाँ से, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते, आप चाकू लेना या कोई कटर लेना और हल्का सा कट कर देना फ्रेंड। यहाँ से हल्का सा कट कीजिएगा, ये हल्का सा कट कीजिएगा, ये नीचे गिर गया कोई बात नहीं, ये हल्का सा, ये देखिए ये बेबी प्लांट है। और इसके बारे में मैं बता रही हूँ फ्रेंड, ये लगाने के बाद बता रही हूँ कि इसकी देखभाल कैसे की जाएगी। ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे करके मैंने इसे मिट्टी के अंदर हल्का सा दबा दिया, ये हल्का सा दबा दिया मैंने मिट्टी के अंदर। और फिर मिट्टी को ऐसे चारों तरफ से ये ढक दिया है फ्रेंड। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगी पानी फ्रेंड। और एक बात, हमारे यहाँ समथिंग कितनी होती है, 100 से 300 के बीच में होती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे ये लक्ष्मी कमल की ये हाईब्रिड वाली है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये हाईब्रिड वाली वैरायटी है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, ये 300 या 400 से स्टार्टिंग होते हैं फ्रेंड। इसकी भी ये देखिए, जैसे अभी मैंने पकड़ा तो ये पत्ती निकल गई, तो मैं इसी पत्ती से इसको ग्रो करके दिखाऊंगी। मैंने कर भी रखा है, ये देखिए फ्रेंड ये मैंने कर रखा है, चलो मिल गया, अच्छा हुआ कि मैं ये पॉट लाके मैंने यहाँ रखा है। ये देखिए मैंने ये पत्ती ऐसे टूट गया था तो मैंने ऐसे लगा दिया। और ये पत्ती लगाने के बाद मिट्टी को ना ड्राई रखिए, मिट्टी में पानी मत डालिए आप, अगर पानी डालते ना तो ये सड़ जाता है, क्योंकि मैंने बोल रखा कि इसमें पानी जमा रहता है, ये स्टोर करके रखना है अपने पत्तियों में पानी, तो आप इसमें पानी कम दीजिए और छाए में रखिए। अभी तो मई का महीना है तो इसकी ग्रो नहीं होती है मई के महीने में, ये विंटर में ग्रो करता है, तो आप विंटर में लाइए इसे। और अगर कहीं से आपको मिले तो एक बेबी प्लांट लाके अपने घर में लगाइए, देखिए कितना सुंदर दिखेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बस इतना आज सुंदर सा कमल के साथ आपका बस टाइम लिया है मैंने। थैंक यू फ्रेंड, ओके बाय बाय।